वॉर जोन से बड़ी खबर आ रही है टीवी 9 के कैमरे में। यूक्रेन के युद्ध बंदियों का कबूलनामा, बेहद एक्सक्लूसिव है ये। गौर के साथ देखिए, युद्ध में निहत्थे आम नागरिकों पर चलाई गई हैं गोलियां, सिविलियंस को ढाल बना रहे यूक्रेनी सैनिक, अजो फाइटर्स ये खुद बोल रहे हैं। गौर लोवका फ्रंटलाइन के पास स्पेशल जेल में बंद हैं यूक्रेनी लड़ाके। अजो फाइटर्स की तरफ से जिस बात का दावा किया गया है आप देखिए। टीवी 9 के कैमरे में कैद ये यूक्रेन के लड़ाके हैं, वो लड़ाके जो खार्कीव और इज़ोबस्टल में यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान ही रूसी फौज ने इन्हें जिंदा पकड़ लिया और डोनबास के कब्जे वाले इलाके में ले आए। इन यूक्रेनी सैनिकों को गोरलोवका के पास स्पेशल जेल में रखा गया। तीनों ही कैदियों ने युद्ध की वो सच्चाई बताई जिसे सुनकर रूह कांप जाए। ये अलीफ है, उम्र 25 साल, खार्कीव का रहने वाला। अलीफ के मुताबिक साल 2020 में उसे जबरन अजोव ग्रुप में शामिल किया गया, उसके अजोबस्टल प्लांट में तैनाती हो। इसी दौरान अलीफ ने दो आम नागरिकों को गोली मार दी। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अलीफ की तरह ही मिखाइल भी अजोव बटालियन का हिस्सा था। मिखाइल ने बताया कि सिर्फ कमांडर के आदेश पर उसने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई थी। यूक्रेनी सेना में शामिल सरगई ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। सरगई अप्रैल में एलीट स्टील प्लांट में तैनात था। जिन सिविलियन को ढाल बनाकर प्लांट में रखा गया था उसमें से एक महिला के साथ उसने बलात्कार किया। एक शख्स ने महिला को बचाने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी। रूसी सैनिकों ने सरगई को पकड़ा। अब इस पर बलात्कार और हत्या का अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है। रूस में युद्धबंदी यूक्रेनी सैनिक घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में यूक्रेनी सैनिक कह रहे हैं कि अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं। डोनबास के गोरलोवका में बंद यूक्रेनी सैनिक टीवी 9 के कैमरे पर गुहार लगाते नजर आए। ये अब यूक्रेन में अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। इन्हें पछतावा है कि इन्होंने निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई, पैसे के लिए सेना में शामिल हुए लेकिन सैन्य धर्म नहीं अपनाया। सर के यू नो आई रिस्पेक्ट एवरी सोल्जर, इट डजंट मैटर फ्रॉम विच कंट्री दे आर, लाइक इफ यू आर फ्रॉम यूक्रेनियन आई हैव आल्सो सेम रिस्पेक्ट, बट सिंस आई नो दैट व्हाट यू डिड आई रियली आई डोंट फील गुड फॉर यू। इन यूक्रेनी सैनिकों को अपनी गलती का एहसास है, यही वजह है कि अब वो हथियार छोड़कर आम जिंदगी जीना चाहते हैं। सेलो सन्याच रुबिजे обороны города после чего нам говорили парни там 2-3 дня подождите и всё закончится। एक और अजोव सैनिक मिखाइल के मुताबिक यूक्रेनी सरकार सिर्फ अधिकारियों को ही छुड़ाने की कोशिश कर रही है। मैं я думаю, что я просто не нужен на обмен, потому что офицеры уже поменяли, а рядовой состав можно новый набрать। मिखाइल की तरह ही कई यूक्रेनी सैनिक यूक्रेन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।